और सब जानते हो, हम बहनों के लिए सेल्फ डिफेंस की बात करते हैं जो बहुत ही जरूरी है, जिसके कारण सेल्फ डिफेंस ऐसा नहीं कि हमको फिजिकल जोर दिखाना, हमें स्किल्स जीत देते हैं वो लोग। ये स्किल्स के कारण क्या होता है कि हमें, क्योंकि बायोलॉजिकली हम लोग कोई भी बहन किसी भाई को नहीं मार सकती है या उसको नॉर्मल केस में नहीं वो हरा सकती है। सो इसलिए ये सेल्फ डिफेंस की स्किल्स, कि आप अगर इस तरह हाथ निकाल दो, इस तरह मोड़ लो, या आपके जो आपके पास जो बॉक पिन हो या पिन हो या हील्स हो या यू नो ये सब चीज़ यूज करके आप अपने आप को बचा के भाग सको। आज मैं आपको ऑब्वियसली सेल्फ डिफेंस स्किल्स के बारे में, जो फिजिकल स्किल्स है वो तो आपके सुरक्षा सेतु के थ्रू हमारे आपको क्लासेस मिल ही सकते हैं और मिलेंगे ही, लेकिन अगर आपको मैं कुछ दो तीन मेंटल चीज़ें बताना चाहती हूँ, जिसे मेंटल जिम कहते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी क्या है कि जब ये छेड़ते का काम होता है तब ज़्यादातर सामने वाला ये देखता है कि जो लड़की है वो कितनी मुझसे डरती है। तो अगर हम हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस रखेंगे, अगर हमारा मेंटली हम स्ट्रांग रहेंगे, तो वो सामने वाला अपने आप दौड़ चला जाएगा। एक सिंपल एग्जांपल देना चाहती हूँ, जैसे अब और ये जो मैं कहूँगी आज आपसे, मैं चाहती हूँ कि आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, ताकि कि आप उसमें आप जब सही में जरूर पड़े तो आप उसको यूज़ कर सके। और प्रैक्टिस जो नॉर्मली कहते हैं, क्योंकि फायर ड्रिल भी हम करते हैं कि भाई आग लगी है तो भाई इस रास्ते से नहीं जाओ, इस रास्ते से जाओ, लिफ्ट मत रोको, ये प्रैक्टिस जरूरी है। इसलिए मेंटल जिम की मेरे को आप उसको दो या तीन टिप्स दे दिए। सबसे पहले टिप, क्या आप कहीं भी जा रहे हो, आपको हेड हेल्ड है, सर सीधा रख के, झुका के नहीं, और सीधे सीधे स्ट्रेट चल जाना है। कई बार अपने को लड़कियों को मोबाइल पे बात की, ना पर्स से खेला, ना ये किया ना वो किया, वो जरूरी नहीं है। ये सब हम हमारे घर में कर सकते हैं, क्योंकि जब आप रास्ते पे चल रहे हो तो बहुत लोग आपको देखते होते हैं, और एक अच्छी बात है, आपको खुश भी होना चाहिए, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस के साथ चलना चाहिए। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, कि मान लो कि आपको अगर लड़के से कहीं सुनसान जगह पे आप चल रहे हो, और आपको यू नो लेडीज की एक सिक्स सेंस होती है, उनको अंदर से पता चलता है कि कोई पीछा कर रहा है या कुछ और हो रहा है, वैसे उनकी आफ्टर सम एज सिक्स सेंस आती है, तो वो उनको पता चलता है, तो उनको क्या करना है, दौड़ना नहीं है। आप इतनी मेहरबानी करना, क्योंकि नॉर्मल केस में क्या होगा कि अगर आपके पीछे कोई आ रहा है तो आप घबरा के दौड़ोगे। जैसे ही आप घबरा के दौड़ोगे, सामने वाला कहेगा अरे वाह ये तो मुझसे डर गई, तो वो भी आपके पीछे दौड़ेगा। सिंपल एग्जांपल दूं कि जैसे कि कुत्ता अपने पीछे आता है, अपने कैसे दौड़ते तो कुत्ता भी दौड़ता है। इसलिए आप ऐसा मत करना, आप जैसे ही वो आपको लगता है पीछे, तो आप घूम के उसको उसकी आंखों से आंखें मिलाना। अब ये बहुत जरूरी है, उसकी आंखों से आंखें मिलाना, क्योंकि जो परपेट्रेटर जिसे हम कहते हैं, जो आपको परेशान करता है, वो डर जाता है कि ये लड़की मुझे पहचान जाएगी, उसने मेरी आंखों से आंखें मिलाएगी। और आपकी जब आंखों से आंखें मिलाओ, आपकी आंखों में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग होनी चाहिए। ये मैं सब आपको सिर्फ मेंटल चीजें कर रही हूँ, उसमें कुछ फिजिकल नहीं आ रहा है। आपकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग होनी चाहिए, आंखों से आंखें मिला के पूछना है क्या चाहिए तुम्हें, जिसे आप जोर से अंदर से जोर से आवाज डालनी चाहिए। और ये सब प्रैक्टिस मैंने पहले कहा घर पे करना, और करते हो मम्मी को बताना कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो जब आप पूछोगे क्या चाहिए, तो वो लड़का समझ जाएगा कि नहीं यार ये लड़की के साथ मजा, मीन्स उसको बेटर है, ये बहुत हिम्मत वाले लड़की है, तो लड़का चला जाएगा। अगेन रिसर्च कहती है कि 85% टाइम लड़के वहां से कुछ नहीं करके निकल जाएंगे। अब दूसरा पॉइंट आया कि 10% लड़के वहां खड़े रहेंगे कि नहीं भाई हम तो ला और छेड़ते हैं, तो बोलेंगे कि भाई हम क्या करें, आप मैडम आप आगे चल रहे हो, हम तो आपके पीछे आ रहे हैं, तब आपको वापस डरना नहीं है। अभी आपको सेकंड पॉइंट बता दी कि आपको और उसको ठीक है तो तू आगे चल, यू नो ऐसे जैसे जोर से ऐसे जैसे ठीक है तू आगे चल, क्या चाहिए, ऐसे नहीं करना है। हमें जोर से कॉन्फिडेंस के साथ ये हिम्मत हमें जुटानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आज हम हिम्मत नहीं जुटाएंगे तो हम लोग प्रॉब्लम में आ जाएंगे। अगर आपने हिम्मत जुटाई और उसको बोला ठीक है आगे चल, तो और फिर वहीं खड़ा रहने का ऐसे करके, तो 10% रिसर्च कहती है कि 10% टाइम वो लड़के निकल जाएंगे। अब दूसरी 5% टाइम चांस है कि वो लड़का नहीं जाएगा, वो बोलेगा लाओ मैं इसको और छेड़ता हूँ, तो अब वो हो सकता है कि वो लड़का आपको टच करने की कोशिश करे। अब आपको क्या करना है, डरना नहीं है, आपको कुछ डरना नहीं है, और भागना भी नहीं, अभी मत भागना, क्योंकि आप भागोगे तो वो और भागेगा। आपको सिर्फ उसके साथ, अब हमारे जो मेरे ट्रेनर्स ने सिखाया है और आप प्रैक्टिस करना होगा, मुझे भी नहीं पता, लेकिन उसने बोला उस वक्त हो जाएगा कि उसकी आंखों में ऐसी अपनी जो दो उंगलियां ऐसे करके घुसानी है, घुस जाएगी, क्योंकि जब हम खुद डरे होंगे तो हमारा जो केमिकल रिएक्शन बॉडी का है वो हमें इजीली अलाउ करेगा। दूसरा, और इसकी आप घर में प्रैक्टिस करना है, वो पिलो के पास ऐसी प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस से कि आपका हाथ छुट्टा होता है, तो प्रैक्टिस करना। दूसरा, आपको आपका ये जो है ना ये बहुत स्ट्रांग होता है, किसी का भी स्ट्रांग होता है, तो आपको वो जरा दीवार पे प्रैक्टिस करके करना है, ताकि क्या है कि अगर जब प्रैक्टिस करोगे तो आपका हाथ छुट्टा होगा, तो आप ऐसा कर सकते हो ताकि सामने वाला डिसलॉज हो जाए। जैसे वो डिसलॉज हो जाएगा तो आपको खड़ा रहने के नरे में जीत गई, आपको वहां से भागना है। और जब ऐसा करते हो, और उसके टाइम भी अगर आपके उसको पिन हो, सेफ्टी पिन हो, तो उसको जम 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 भोंकने की, यानी ऐसे ऐसे करने का, और फिर वहां से भाग जाने का। और जब आप भागते हो, जोर से भागना, मेहरबानी करके और जोर से चिल्ला के भागना, बचाओ बचाओ, जितना भी जोर से बचाओ बोल सकते हो अच्छा है। क्योंकि अब क्या होगा, भले आपको पता है कि कोई उस वहां नहीं है, भले उसको भी पता है कि कोई वहां नहीं है, लेकिन आदमी डर जाएगा कि इसने बचाओ किया, कोई सुन लेगा तो, कोई आ जाएगा तो, और इस तरह आप भाग जाओगे। दिस इज हाउ यू कैन सेव योरसेल्फ। सो मुझे आपसे रिक्वेस्ट है,
तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप कहीं भी हो और आपके साथ कुछ भी ऐसा होता है तो आप चुप मत बैठो। जैसे कि रास्ते में भी कोई लच्छा, बस में भी जाते हो, बस में भी कोई आपको छेड़ता है तो उसको चिल्ला के बोलो क्या करता है, छोड़ दे। अपनी लेडीज की कॉनी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ऐसे कॉनी मार दो ताकि क्या है कि सामने वाला वो हो जाए और उसको पता चले कि नॉट टू मेस विद हर। इसलिए हम ये इतनी खाली इतनी चीजें आप करना, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, मैं आपको गारंटेड बोलती हूँ कि आप आराम से आप वहां से उस सिचुएशन से आप निकल जाओगे और बाद में 1091 तो है ही, लगाओ 1091, फाइट बैक राइट नाउ। जय हिंद, थैंक यू।